आज की वीडियो में बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे जो ईयर 2023 में मॉम बनने वाली हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत से क्यूट न्यू मॉम्स का एडिशन हुआ है, लेकिन आज हम आपको कुछ और टू बी न्यू मॉम्स के बारे में बताने वाले हैं। गौहर खान एंड जैद दरबार। गौहर खान और जैद दरबार लगभग 2 साल पहले शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे। गौहर खान ने कुछ समय पहले एक बहुत ही क्यूट वीडियो के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी। जहां गौहर खान आजकल अपना प्रेगनेंसी फेज एंजॉय करते दिखाई दे रही हैं, वहीं गौहर और जैद बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। दीपिका कक्कर एंड शोएब इब्राहिम। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम शादी के लगभग 5 साल के बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों ने एक बहुत ही क्यूट मॉम एंड डैड पिक्चर के साथ अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी और दोनों अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। रामचरण एंड उपासना कमिनीनी। रामचरण और उपासना कमिनीनी भी अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रामचरण और उनकी वाइफ ने कुछ समय पहले अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अनाउंस किया था और रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा है कि रामचरण की वाइफ यूएसए में अपने बेबी को डिलीवर करने वाली हैं। एविलीन शर्मा एंड तुषान भिंडी। एविलीन और तुषान भी कुछ समय पहले ही शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे और एविलीन भी अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। एविलीन भी ईयर 2023 के एंड में अपने बेबी को डिलीवर करेंगी। नेहा मर्दा एंड आयुष्मान अग्रवाल। नेहा मर्दा और आयुष्मान अग्रवाल ने कुछ समय पहले बहुत ही क्यूट पिक्चर्स के साथ अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी। नेहा मर्दा बहुत जल्दी मॉम बनने वाली हैं और उनके फैंस इस न्यूज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। आपको इन टू बी मॉम्स में से कौन सी मॉम सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं और आप किसके आने वाले बेबी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।